इस सेशन में हमने कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन के एग्जांपल्स लिए हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे, जैसे कि कन्वर्ट द फॉलोइंग रेगुलर एक्सप्रेशन टू फाइनाइट ऑटोमेटा। तो तीन रेगुलर एक्सप्रेशन है, तो पहले को कन्वर्ट करने जा रहे हैं फाइनाइट ऑटोमेटा में यूजिंग मेथड ऑफ सिंथेसिस। ओके, तो जैसे अब ये पहले की बात करें, ओके, तो कैसे कन्वर्ट होगा ये, अगर देखो इसमें ए स्टार बी में, ओके, ये क्या है, ए स्टार कॉनकैटिनेशन बी। ओके, इसका मतलब ये आर वन है और ये आर टू है। ओके, तो अब पहले आर वन का स्टार क्लीन स्टार है, तो क्लीन स्टार के लिए हमने क्या देखा था, हमने ये एक इनिशियल स्टेट बनाई थी, उसके बाद एप्सिलॉन का ट्रांजिशन दिया था, एक नई स्टेट पे आए थे। यहां पर जो आर था, आर आर को यहां पर दिया था, तो आर हमारे इस केस में ए है। ओके, अब यहां से क्या किया था, ये एप्सिलॉन का मूव दिया था और ये एक नई स्टेट बनाई थी। ओके, और यहां पर भी एप्सिलॉन का मूव दिया था, और अगर ये सिर्फ ए स्टार देखें तो ये फाइनल स्टेट थी। ओके, और यहां से ये एक ट्रांजिशन हमने किसका दिया था, नल का। ओके, बस इसको फाइनल स्टेट नहीं बनाया है। क्यों नहीं बनाया है, क्योंकि ये आर वन कॉनकैटिनेशन आर टू है। ओके, तो अब आर वन कॉनकैटिनेशन आर टू है, तो कॉनकैटिनेशन के लिए क्या था, पहले पूरा आर वन था, फिर क्या था, एप्सिलॉन का ट्रांजिशन था। ओके, और फिर क्या था, आर टू था, तो आर वन ये हो गया एप्सिलॉन और आर टू, तो आर टू हमारा क्या है, बी, और इसके बाद ये फाइनल स्टेट थी। ओके, तो चूंकि दो का कॉनकैटिनेशन करना था, इसलिए इस स्टेट को फाइनल स्टेट नहीं बनाया हमने। ओके, फाइनल स्टेट ये हो गई। तो इस तरीके से ए स्टार बी को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ओके, सेकेंड की बात करें, अगर सेकेंड हमारा क्या है, ए स्टार बी स्टार, ए स्टार कॉनकैटिनेशन बी स्टार, अगेन सेम कॉन्सेप्ट है, ए स्टार का बनाना हम जानते हैं। ओके, तो ए स्टार के लिए क्या कहेंगे, ये ए हो, ओ सॉरी, ये एप्सिलॉन हो गया, इसके बाद नई स्टेट, यहां पर ए का ट्रांजिशन, और यहां से ये करेंगे एप्सिलॉन का ट्रांजिशन, ये एप्सिलॉन का ट्रांजिशन, और ये फाइनल स्टेट होती थी, और साथ में एक ये एप्सिलॉन का मूव डायरेक्ट यहां से देते थे। ओके, लेकिन कॉनकैटिनेशन है, तो R1 के बाद एक एप्सिलॉन का मूव लगता था, तो R1 ये हो गया, इसको R1 आप कह लो और इसको R2 कह लो। ओके, तो R1 ये हो गया, एप्सिलॉन का मूव दिया, अब B स्टार के लिए बना देंगे। ओके, तो B स्टार के लिए क्या करेंगे, पहले ये एप्सिलॉन देंगे, ये वाली फाइनल स्टेट होती अगर R1 स्टार होता सिर्फ तो। ओके, तो अब हम क्या देखते थे, इनिशियल स्टेट से नल का ट्रांजिशन दे करके मींस मूव करते थे, तो यहां से नल का ट्रांजिशन दिया, यहां पहुंचे, यहां पर बी का ट्रांजिशन दिया, ये एप्सिलॉन का ट्रांजिशन दिया, और ये फाइनल स्टेट बना दी। यहां से यहां के लिए एक नल का भी ट्रांजिशन देंगे। ओके, तो ये क्या हो गया, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आर वन को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आर टू को, बीच में एक एप्सिलॉन। ये मत सोचना कि यहां पर भी एप्सिलॉन है, यहां पर भी एप्सिलॉन, तो क्या मतलब इसका, आपको एज इट इज, जैसे कि वहां पर तीन ऑपरेशन को बताया गया है, सेम यहां पर अप्लाई कर देना है। ओके, अब तीसरे को कंसीडर करते हैं। ओके, तो तीसरा है हमारा ए बी स्टार और प्लस ए बी। ओके, तो कैसे बनाएंगे इसके लिए, अगर थर्ड को देखें, ए बी स्टार प्लस ए बी, यहां पर कॉनकैटिनेशन है, तो पहले इसके लिए बना लेते हैं ए बी स्टार के लिए। तो पहले ए को बनाते हैं, तो ए के लिए ये एक इनिशियल स्टेट हुई और ये ए। ओके, कॉनकैटिनेशन है, तो उसके लिए यहां पर क्या हुआ करता था, एप्सिलॉन। ओके, अब अगर मैं इसको कह दूं आर वन, तो ये है आर टू। ओके, तो आर टू बी स्टार बनेगा। अब तो बी स्टार कैसे बनाएंगे, ये सबसे पहले एप्सिलॉन का मूव, उसके बाद क्या, ये बी, उसके बाद ये एप्सिलॉन,
उसके बाद ये और ये फाइनल स्टेट बन जाती थी, और यहाँ से डायरेक्ट एक आप एप्सिलॉन का मूव देंगे। ओके, तो देख लो ये क्या है, इतना आर वन, और ये यहाँ से यहाँ तक क्या है आर टू, बीच में एप्सिलॉन का मूव। ओके, तो ये हो गया आपका क्या ए बी स्टार के लिए, लेकिन हमको किसके लिए चाहिए, हमको चाहिए पूरा ये पूरे के लिए। तो अब ए बी के लिए भी बना लेते हैं यहाँ से, ये एक इनिशियल स्टेट बनाई, ए हो गया, कॉन्कैटिनेशन है तो एप्सिलॉन, और यहाँ से बी का, और ये फाइनल स्टेट बन गई। तो ए और बी आर वन आर टू और बीच में एप्सिलॉन, चूंकि बीच में प्लस है इसलिए अभी हमें फाइनल स्टेट इस पर नहीं बनानी चाहिए, तो हम इनको हटा देते हैं फाइनल स्टेट के लिए। ओके, क्या हुआ करता था कॉन्सेप्ट प्लस का, यूनियन का, एक नई इनिशियल स्टेट बनती थी, और यहां से इसके लिए और यहां से इसके लिए क्या होता था, एप्सिलॉन का मूव दे करके इन दोनों को कनेक्ट कर देते थे, आर वन को और आर टू को। ओके, और जो ये है यहां से एप्सिलॉन का मूव दे करके यहां पर एक फाइनल स्टेट बनाते थे। ओके, तो इस तरीके से ये जो फाइनाइट ऑटोमेटा है ये किसके लिए है, ये मीन्स इस रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए। अब एक बात सोचने वाली है, लेट की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आया कि व्हाट वुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स इन द डीएफए ऑफ दिस रेगुलर एक्सप्रेशन। तो अगर लेट की आप मेथड ऑफ सिंथेसिस से फाइनाइट ऑटोमेटा बनाते हैं, लेट ये नल एन एफ ए बनाते हैं और उसके बाद इसको डीएफए में कन्वर्ट करते हैं, तो देखिए नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी ज्यादा है। अगर इसको आप डीएफए में कन्वर्ट कर रहे हैं तो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, एंड दैट इज द ओनली रीजन कि मैंने कहा था कि हम मेथड ऑफ सिंथेसिस को जानने के लिए तो यू मीन्स इसको बनाएंगे, लेकिन जानने के लिए इसको फाइनाइट ऑटोमेटा इसके थ्रू कन्वर्ट करेंगे, लेकिन इसको ज्यादा कभी यूज नहीं करेंगे। ओके, एंड दैट्स